A sudden rush from the stairway a sudden raid from the hall by three doors left unguarded they enter my castle wall So here in this stanza the poet says that all three girls give him a surprise attack here the word raid means surprise attack and these three girls enter his castle wall here the castle wall is a metaphor for his hall okay सो दे ऑल एंटर हिज हॉल बाई थ्री डोर लेफ्ट अनगार्डेड जिस हॉल में पोइट बैठे हैं वहां थ्री डोर है और उन्ही डोर से ये लोग आते हैं क्योंकि वहां पे कोई गार्ड नहीं होता है ठीक है और एंटर करते हैं जहां पे पोइट बैठे हुए हैं उनके हॉल में दे क्लाइंब अप इन टू माई ट्योरेट ओवर द आर्म्स एंड बैक ऑफ माई चेयर इफ आई ट्राई टू स्केप दे सराउंड मी दे सीम टू बी एवरी वेअ उसके बाद वो चढ़ जाते हैं पोएट के चेयर पे यहाँ ट्यूरेट का मतलब होता है अ स्मॉल टार बट हियर ट्यूरेट इज अ मेटाफर फॉर द पोएट्स चेयर हियर द वर्ड ट्यूरेट इज रिप्रेजेंटिंग हिज चेयर वो लोग बच्चे आते हैं और वो क्या करते हैं उनके चेयर पे चढ़ जाते हैं ठीक है इफ आई ट्राई टू स्केप और वो छूटना भी चाहते हैं तो भी छूट नहीं पाते हैं क्योंकि दे ऑल सराउंड हिम वेरी टाइटली एंड दे सीम टू बी एवरीवेयर दे ऑलमोस्ट डिवर मी विद किसेस देयर आर्म्स अबाउट मी एंड वाइन टील आई थिंक ऑफ बिशप ऑफ बिंगन इन हिज माउ स्टार ऑन हिज ऑन द राइन सो उसके बाद वो लोग पोइट को किसेस करने लगते हैं और इतना ज्यादा वो uh, इंटेंसिटी होती है कि लगता है कि ये लोग मुझे खा जाएंगे ठीक है और उनके जो आर्म्स हैं यहाँ द वर्ड एंड वाइन मीन्स टू सराउंड घेर लेना उनके आर्म्स जो हैं पोइट को पूरी तरह से घेर लेते हैं और वो किस करने लगते हैं और ऐसा लगता है कि ये लोग पोइट को खा जाएंगे तो uh, ये इवेंट जो है उनको याद दिलाता है एक स्टोरी का ठीक है जिस स्टोरी का नाम है बिशप ऑफ बिंगन so it's a famous story well-known story okay? <clears throat> it describes hoto as a cruel and oppressive ruler who was finally punished by mice he hid himself in a tar to save his life but uh, finally he was eaten by mice okay his tar is also known as mouse tar तो ये जो रेफरेंस है ये जर्मन के जो बिशप थे जिनको हॉटो टू नाम से भी जाना जाता है ठीक है ही वॉज अ क्रूयल किंग बहुत क्रूय किंग थे और वो क्या करते थे अपने टॉर में किसी को बंद कर दिया करते थे ठीक है ना तो फाइनली माइस जो है उन पर अटैक करती है और वो अपनी जान बचाने के लिए ये जो राइन रिवर है उसके पार जाते हैं जहाँ एक टार होता है उसमें छिपने के लिए बट

because you have scaled the wall such an old mustache as i am is not a match for you all so in this stanza the poet is addressing the girl the beautiful girl as blue eyed bandit here the word bandit means a robber okay and he is asking her why you have scaled my wall

ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा आई विल हैव यू फास्ट मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और ये जो मेरा हियर द वर्ड फोर्ट्रस मीन्स डिफेंसिव स्ट्रक्चर यहां मैं तुम्हें अंदर बंद करके रख लूंगा एंड आई विल नॉट लेट यू डिपार्ट यहां से मैं जाने तुम्हें नहीं दूंगा और मैं तुम्हें कहाँ बंद करूंगा जैसे मैंने पहले बताया कि हॉटो टू जो था वो चार में बंद कर दिया करता था कल्प्रिट्स को तो मैं भी तुम्हें अपने हार्ट के अंदर एक टार है उसके अंदर मैं तुम्हें बंद कर दूंगा हियर द वर्ड डेंजर मींस मेन टार ओके एंड देयर विल आई कीप यू फॉरवर यस फॉरवर एंड अ डे टिल द वॉल्स शेल क्रम्बल टू रूइन एंड मोल्डर इन डस्ट अवे और मैं तुम्हें तब तक अपने दिल के अंदर जो टार है उसमें बंद करके रखूंगा जब तक कि इसका दीवार उस टार का दीवार क्लैप्स ना हो जाए टूट ना जाए और जो टाइम जो है उसको बर्बाद ना कर दे